आपको भी मैट्रिमोनियल साइट पर दुल्हन की तलाश है तो उससे पहले यह खबर जरूर देख लें। मैट्रिमोनियल साइट से शादी करने के बाद इंदौर का एक कारोबारी अब अपनी पत्नी की धोखेबाजी से परेशान हो गया है। तस्वीरों में दिख रही यह खूबसूरत लड़की एक ठग है, एक धोखेबाज दुल्हन है जो शादी करके लोगों को ठगती है और अपना शिकार बनाती है। दरअसल इंदौर के एक रेडीमेड कारोबारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है कि इस लड़की ने उसके साथ धोखा किया है और घर से ज्वेलरी और कुछ नगद लेकर फरार हो गई है। एक मैट्रिमोनियल साइट पर जसप्रीत ने अपना प्रोफाइल डाला था जिसमें उसने लिखा था कि वो 40 से 50 लाख रुपए सालाना कमाती है, बस उसकी दो लड़कियां हैं। लोकेश को लगा कि उस लड़कियों को पाल लेगा, इसलिए उसने जसप्रीत से संपर्क किया। बात करने पर जसप्रीत मान गई और 1 फरवरी 2017 को अकेली शादी करने के लिए इंदौर चली आई। दोनों ने आर्य समाज में शादी भी कर ली, लेकिन इसके बाद वो चली गई और फिर 23 फरवरी को लौट कर आई। जसप्रीत इसके बाद 3 बार ससुराल आई और हर बार अपने साथ कुछ न कुछ नकद और गोल्ड ज्वेलरी लेकर जाती रही। उसने जसप्रीत कौर से 1 फरवरी 2017 को शादी की थी, जब जीवनसाथी.com के जरिए शादी की थी। शादी करने के वक्त जसप्रीत कौर ने सिर्फ लोकेश को केवल इतना बताया था कि मैं अनमेरिड हूँ, लेकिन जब बाद में पता चला कि उसके पहले से 2 शादी हो चुकी है और उसने बिना डिवोर्स लिए इससे लोकेश तलैया से शादी कर ली। वो लोकेश को ब्लैकमेल भी करती रही, कई बार आत्महत्या की धमकी देकर अकाउंट में पैसे डलवाती रही। तो मेरे को सर इसने जीवनसाथी.com के थ्रू मेरी शादी हुई थी, इसमें मेरे को ये बताया गया था कि मैं अनमेरिड हूँ और इसे करके सर इसने मेरे से पैसे वगैरह भी लिए, सर गोल्ड भी लेके चले गई है और सर आए दिन मुझे धमकियाँ देती है कि मतलब मैं तुझे 498 के झूठे केस में फंसवा दूंगी। लोकेश को जब एहसास हुआ कि वो ठगा गया है तो उसने जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये कई शादियां कर चुकी है। लोकेश ने उसके एक पूर्व पति से भी संपर्क किया तो पता चला कि वो शादियां करके पैसे लेकर भाग जाती है। लोकेश को जांच में यह भी पता चला कि जसप्रीत का एक मुंहबोला भाई है जो उसे तलाक लेने और समझौता करने के लिए धमका रहा है। वायरल कीड़ा न्यूज़।